वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय श्री सुपर गार्डन। आज का टॉपिक है हाउ टू केयर एग्लोनिमा प्लांट्स। देखिए ये मेरा एग्लोनिमा प्लांट्स है, तो मैं इस प्लांट्स के बारे में थोड़ा ये मैं बताता हूँ कि ये ट्रॉपिकल प्लांट्स है और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है ठंडा का समय बहुत ठंडा होना, गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होना और बरसात के समय बारिश होना, यानी कि तीन मौसम को इसको गुजरना है। तो तीन मौसम में इसका अलग अलग केयर करते हैं। बरसात में कैसे केयर करते हैं, जाड़े के मौसम में कैसा केयर करते हैं और गर्मी में कैसा केयर करते हैं। तो मैं पहले आपको सब ये दिखा देता हूँ। ये पौधा ये देखिए, ये कितना बड़ा पत्ता इसका हुआ है, कितना अच्छा उजला रंग का है। ये पौधा मैंने एक महीना पहले लाया था, इसमें डिजीज़ फंगस पकड़ा हुआ था, तो मैं नर्सरी से इसको खरीद के लाया था सस्ते में, 100 रुपये में खरीद कर दे दिया था। जबकि ये पौधा 250 से 300 350 अलग अलग वैरायटी का बहुत ज़्यादा दाम होता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं। ये देखिए ये लिपस्टिक प्लांट है एग्लोनिमा, और ये भी एक एग्लोनिमा है। तो मित्रों मैं एक बताना चाहूँगा कि कुछ एग्लोनिमा प्लांट्स हैं जो ईजी टू ग्रो है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और उसमें देखिए, जैसे इसमें देखिए ये कितने इसमें बेबी एग्लोनिमा प्लांट्स आए हुए हैं, और इनका बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। इस वैरायटी का भी देखिए बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, बहुत इसमें बेबी प्लांट्स इजीली निकल जाते हैं। मगर ये जो लिपस्टिक प्लांट है इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, और इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए। और इसके बारे में मैं बोलता हूँ, ये जो है ये मेरा 1 साल पुराना का पौधा है, और देख सकते हैं कि इसका लीव्स कितना शाइनिंग है। और मैं इसे केयर करने के लिए पहले मैं जाड़े का केयर मैं बताता हूँ या गर्मी का भी केयर मैं बताता हूँ। बरसात में तो इसको मैं डेली सुबह स्प्रे करता हूँ, ये देखिए इस तरह से स्प्रे करने से क्या होता है कि इसका लीव्स जो है वो धुल जाता है, और जो मैं टैप वाटर मैं नॉर्मल टैप वाटर लिया हूँ, तो जो पानी में जो सॉल्ट्स होता है, पानी में कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो वो भी फ़ायदा करता है इसको। ये देखिए गंदा लगा हुआ है, मैं इसको साफ़ कर दिया, ये देखिए। तो ये मैं विंटर अभी 3rd week of November चल रहा है 2022, और विंटर केयर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि विंटर में जो पहले क्लाइमेट को समझना पड़ेगा, तब प्लांट इसके अनुसार इसको हम लोग करते हैं। तो विंटर में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाता है, और आप लोग मित्रों देखते ही होंगे कि ह्यूमिडिटी जब कम रहता है तो आप लोग चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, उस जो ड्राई सीजन है उसको उसके बचाव के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि गर्मी हो चाहे विंटर हो, मैं एक बार इसके पत्तों को स्प्रे करके धो देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो पानी में जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी इसको फ़ायदा पहुँचाता है ग्रो में। और दूसरा बात है कि कहाँ इसको हम लोग को रखना है। तो ये देखिए मैं इसको अभी रखा हूँ शेडी जगह में, इसको 2 घंटा धूप मिलता है जाड़े के मौसम में, और फिर ये शेड रहता है, तो शेड में बहुत ही अच्छा चलता है। और ऐसे भी ये पौधा जो इंडोर प्लांट्स है आप इसको रूम में भी रख सकते हैं, जहाँ पर हल्का सा धूप आता हो खिड़की के पास, तो इसमें बहुत अच्छा ये ग्रो करता है। ये बहुत ही, और बहुत से लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो चाहते हैं उनके जो बालकनी में बहुत धूप नहीं आता है, तो वैसे बालकनी में इसको हम बहुत अच्छा से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत
छोटा रहता है और बूसी रहता है आप छोटे से पॉट्स में। अब इसका इसको लगाने के लिए पॉट्स का साइज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये जो लिपस्टिक प्लांट है इसका पॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा में नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो पौधा है इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो फंगस कब लगता है? जब वातावरण में ह्यूमिडिटी हो या मिट्टी में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, पानी आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो ये इसमें फंगस लग जाएगा और रूट रॉट होगा, लीव्स भी है इसमें फंगस पकड़ लेगा और ये सूख जाएगा। इसलिए इसमें क्या करना है कि जाड़े के मौसम में तो ऐसे भी ह्यूमिडिटी कम होता है, फंगस कम पकड़ेगा। तो क्या है कि पानी जो हम डालते हैं तो इसी देखिए, मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को मैं भिंगा देता हूँ, ज़्यादा ये पानी नहीं खोजता है। अब ये जो वैरायटी है नॉन लिपस्टिक प्लांट, ये वाला वैरायटी, चाहे ये चाइनीज़ एवरग्रीन, चाहे ये वाला वैरायटी, इसको आप पानी दे सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात। बरसात में तो पानी गिरता ही, मैं इसको बाहर रखता हूँ बरसात में। ये दोनों वैरायटी को मैं बाहर रखता हूँ, ये भी, इसको भी मैं बाहर रखता हूँ। इसको बरसात का भी पानी या कोई भी पानी इसको हार्म नहीं करता है। मगर ये वाला जो वैरायटी है, ये लिपस्टिक प्लांट एग्लोनिमा, ये बरसात में इसको हम लोग रेन से बचाते हैं कि ज़्यादा रेन नहीं गिरे, ज़्यादा पानी नहीं गिरे और ये फंगस लगने का, सड़ने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसको हम लोग को बरसात के पानी से प्रोटेक्ट करना है। हाँ, बरसात के दिनों में जो रेन वाटर आप जो कलेक्ट करते हैं उसको इस स्प्रे बॉटल में आप अगर डालेंगे, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन डिसॉल्व रहता है तो वो बहुत ही फ़ायदा डायरेक्ट करता है। इसके पत्ते में आप स्प्रे कर दें, मगर इसको आपको बरसात के समय में पानी से प्रोटेक्ट करना है। इन तीनों पौधों को नहीं, ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा, ये ग्रो करता है। देख रहे हैं बिना कितने पौधे इसमें निकल रहे हैं, बहुत फास्ट इसका ग्रोथ है। और ये जो लिपस्टिक प्लांट एग्लोनिमा से ज़्यादा इसका ग्रोथ है, ये इसमें भी बहुत सारे बेबी एग्लोनिमा प्लांट्स निकल आएंगे ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ कि मैं इसमें खाद क्या डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें मैं सीवीड डाला हूँ। देखिए, ये देखिए सीवीड ग्रैनुअल्स, मैं जाड़े के मौसम में भी ज़्यादा नहीं, 3-4 दाने मैं डाल रखा हूँ सीवीड ग्रैनुअल्स। में होता क्या है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, बोरम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, तो ये जो है ये कलर, लीफ को कलर देता है, मैक्सिमम ब्लूम कलर आ जाएगा। तो ये सब है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी में क्या करना है, इसको बिल्कुल शेड में डालना है, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट में ख़राब हो जाता है। इसको जैसे मैं इसको लगा रखा हूँ, देखिए ये पेड़ है ऊपर और मैं पेड़ के नीचे लगा रखा हूँ। पेड़ के साइड से जो धूप इसको मिलता है 1-2 घंटे का, वो मिलता है जाड़े के मौसम में, और फिर ये रहता है। बस ये ध्यान में डालना है। अब इसका सॉइल नेचर क्या होता है, तो आपको मित्रों में बताया कि जाड़े के मौसम में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहता है, तो इसमें हल्का सा वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। कंपोस्ट के इसमें मैं रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि इसको अपना न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा, और सीवीड, इसके बाद कोई फर्टिलाइजर जाड़े में नहीं डालने का ज़रूरत है। और निरंतर इसका लीव्स को स्प्रे ऊपर से करते रहेंगे तो लीव्स इसका साफ रहेगा। और ये जो मैंने मिट्टी इसका जो बना रखा है, इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं डाल रखा हूँ, इसमें मिट्टी है और वर्मी कंपोस्ट पहले से डाला हुआ है, और बीच बीच में मैं वर्मी कंपोस्ट ऊपर से ऐड करते रहता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 महीना पर थोड़ा समय वर्मी कंपोस्ट इसमें देता रहता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। और गर्मी के मौसम में इसका कैसा देखभाल करना है, तो गर्मी में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, मगर क्या है कि ये गर्मी में ही इसका ग्रोथ पीरियड होता है। ग्रोथ पीरियड जो होता है इसका गर्मी में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है ये बरसात के समय में, जाड़े में बहुत इसका कम ग्रोथ होता है।
तो दो तीन ध्यान हम लोग को देना है मित्रों कि आप यदि नर्सरी से ये पौधा लाते हैं, अभी लाते हैं जाड़े के मौसम में, तो उसको रीपॉटिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी ये डोरमेंट फेज़ में रहता है। तो आप रीपॉटिंग करेंगे तो ये शॉक में आएगा और मरने का बहुत डर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ्रजाइल प्लांट है। तो ये करेंगे, और बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग इसमें कोकोपीट नहीं डालेंगे, कहीं आपको मिलता है कि इन्हें कोकोपीट डालना है, तो वो तो सब ह्यूमिडिटी का चक्कर है। ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम रहता है, जैसे कि गर्मी के समय जब ड्राई विंड्स चलता है, लू चलता है, तो बहुत ही ह्यूमिडिटी कम रहता है। अभी भी ह्यूमिडिटी कम रहता है, मगर गर्मी में क्या है कि टेम्परेचर अधिक रहता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम रहता है। अभी क्या है कि ह्यूमिडिटी कम है मगर टेम्परेचर कम है। तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, इसको हम लोग जानेंगे ठीक से, तभी इसको ठीक से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि ये पौधा जो है ह्यूमिडिटी या पानी में जो नमी होता है वो बहुत कम इसको देना पड़ता है। अब ये जो पौधा है, इसमें आप कितना भी पानी डालें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये पौधा में कोई दिक्कत नहीं। मगर इस पौधे में अगर आपने वाटर मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं किया तो ये फंगस हो जाएगा, इसको पकड़ लेगा, इसको करता हूँ। अब फंगस का रोकथाम के लिए मैं कभी कभी थोड़ा सा इसके रूट्स में, क्योंकि इसके रूट्स में भी फंगस लगता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नहीं, दो चम्मच इसमें मैं नीम केक पाउडर इसमें डाल देता हूँ। तो नीम केक क्या होता है, इसमें इंसेक्ट चींटी भी नहीं लगने देता है और फंगस में नहीं आने देता है। तो ये सब केयर मैं करता हूँ, और फिर फर्टिलाइज़र के नाम पर मैं आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें दो तीन दाने मैं सब में हर 15 दिन पर दो तीन दाने मैं डाल देता हूँ सीवीड ग्रैनुअल्स, और ये धीरे धीरे ये रिलीज़ करता है, जो कि ये हार्मफुल नहीं है ये पौधा के लिए। क्योंकि अब रहा कोकोपीट का, तो कोकोपीट जो है वो उसका फंक्शन क्या है, वो पहला दो फंक्शन ये जानेंगे तब आप समझेंगे किस तरह से ये प्लांट को बेनिफिट पहुंचाता है। तो कोकोपीट जो है वो मिट्टी का टेक्सचर को बढ़िया करता है, दूसरा, और तीसरा है कि ये जो कोकोपीट है ये नमी को मिट्टी में नमी को बढ़ाता है। तो आपको मैं बता दूं कि कोकोपीट ये बेनिफिशियल इस प्लांट के लिए कब किस क्लाइमेट में है। आप ऊपर से भी थोड़ा सा कोकोपीट डाल करके या मिट्टी का रिपोर्टिंग करते हैं तो आप डाल सकते हैं। जब वो गर्मी का समय जब आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, टेम्परेचर रीचेस टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड वो गर्मी रहता है, तो हम लोग को ऐसा उसमें, तो वो कोकोपीट जो है वो उसके लिए उस क्लाइमेट में फ़ायदा कर देता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है हम लोग इस पौधे में क्या क्या चीज़ डालेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इन बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मित्रों। और मैं अपने ये लिप्स्टिक एग्लोनिया प्लांट्स का कलेक्शन में और बढ़ा करके मैं अपने घर में लाऊंगा, और उसके आने के बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मित्रों, थैंक यू फ्रेंड्स।